एमपी और छत्तीसगढ़ में कर्ज माफी के फैसले के साथ देश की सियासत भी गर्मा गई। बीजेपी ने फैसले पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब मध्य प्रदेश का खजाना खाली है तो कर्ज माफी के पैसे कहां से आएंगे, जबकि कांग्रेस ने किसानों से किए अपने वादे को पूरा करने का दावा किया। अभी जो बात आई है मध्य प्रदेश की बाबत, उसमें कमलनाथ जी के दफ्तर ने ये नहीं बताया कि कितने किसानों को इसका लाभ है, कितने किसानों का टोटल लोन का अमाउंट कितना है और कितना वेव ऑफ किया गया है और सरकारी खजाने में कितना पैसा है और कितना वेव ऑफ करने की गुंजाइश है। तो बिना आंकड़ों के खाली हवा उड़ा देना ये सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। चुनाव अभियान में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने साफ शब्दों में ये कहा था कि हमारी सरकार बनते ही हम 10 दिनों के अंदर किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश ने इसमें पहल की है और ये अच्छी बात है कि जो वादा प्रदेश की जनता से किया गया उसको पूरा करने के लिए एक सही निर्णय लिया गया। मैं कमलनाथ सरकार के फैसले का स्वागत करता हूं। चुनाव में किए गए वादे पूरे करो ये परंपरा की शुरुआत हुई है और अब कोई भी सरकार किसानों के हितों की अनदेखी नहीं कर सकती। तो ये कर्ज बैंकों को माफ करना है, इतनी मालूमात कमलनाथ साहब की भी थी और इतनी मालूमात राहुल गांधी साहब की है। तो इस बिना पर उन्होंने ऐसा कहा है, बिल्कुल पॉसिबल है, संभव है, लेकिन एकदम किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से माफ़ हो जाए ऐसा नहीं है। उसे थोड़ा वक्त लगेगा, पेपर्स तैयार होंगे, उसकी माफ़ी होगी, अप्रूवल होगा, लेकिन हो जाएगा, कोई नामुमकिन बात ही नहीं। वहीं बीजेपी ने किसानों के साथ छलावा करार दिया और राज्य सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया कि किसानों के साथ कांग्रेस का छलावा, 31 मार्च 2018 तक के ही क्यों, 1 जुलाई से 30 सितंबर तक खरीफ फसल के लिए लिया गया किसानों के ऋण का क्या हुआ, सबसे ज्यादा किसानों ने इसी बीच लिया कर्ज, ऋण समाधान योजना में पहले ही किसानों के ब्याज माफ हो चुके हैं, बचे किसानों के ही होंगे कर्ज माफ। कर्ज माफी का जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था उस पर मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो प्रेस में मैंने सुना और राज शासन के कृषि विभाग के द्वारा जो आदेश निकला, मैं मानता हूं कि वो सिर्फ एक छलावा है किसान के साथ। इन्होंने मध्य प्रदेश के किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ करने की जो घोषणा की थी इसमें सभी किसान नहीं आ रहे हैं।